हेलो दोस्तों, हमारा गांव माखन टोला सिमरी बख्तियारपुर, ये पहले इससे पहले एक गांव था, छोटा सा गांव, और अभी बहुत ही जल्द इतना राइज किया है कि इसके बाद जो है गांव से नगर पालिका और नगर पालिका से नगर परिषद क्षेत्र बन चुका है। और इतना जल्दी ये राइज किया है, ये गांव इतना जल्दी इतना विस्तार हुआ है, जो कि बहुत बड़े बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र जो राज किया है, इसका क्या राज है मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा। तो अभी ये नगर परिषद क्षेत्र में जो है चुनाव प्रसार चल रहा है, वो किस तरह से चल रहा है और इसके विषय में मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और अभी चुनाव का जो है माहौल चल रहा है और मैं अभी जा रहा हूँ वार्ड नंबर 22 में, तो हमारे साथ बने रहिए। ड्यूटी पे जा रहा हूँ बेटे, इलेक्शन चल रहा है ना, अभी जा रहा हूँ अपने वार्ड में, किसका क्या तोड़ है पता है वो सब देखने जा रहा हूँ, न्यूज बनाने जा रहा हूँ। चलेगा बेटा, तू बड़ा होगा तब चलना। चलो थैंक यू बेटे। तो दोस्तों मैं फाइनली तैयार हो गया हूँ, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने वार्ड की रिपोर्ट, ताज़ा रिपोर्ट लेने के लिए। आशा देवी को वार्ड नंबर 22 से जो है बहुत ही लाइक करते हैं। हेलो दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे YouTube चैनल टाइम मैनेजर ब्लॉग में। अभी हम सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 में हैं और ये वार्ड नंबर 22 के भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी जो कि पूर्व में उप मुखिया पद पर रह चुके हैं हमारे दिनेश पासवान जी, और इनके जो धर्म पत्नी हैं आशा देवी जो कि वार्ड नंबर 22 के कलम दबा छाप से हैं, जो कि क्रमांक संख्या 1 पर है। तो ये जो जनता की भीड़ देख रहे हैं थोड़ा दिखाइए, ये जो जनता का भीड़, हाँ तो हम अभी एक मिनट अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जनता की ये बेशुमार भीड़ जो कि सैलाब की तरह उमड़ पड़े हैं, वार्ड नंबर 22 सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र की है ये सारी जनता, और इनका पूरा बहुमत पूरा समर्थन है। तो आइए दोस्तों हम मिलते हैं आशा देवी से और पूछते हैं कि ये जनता मालिक जो आप लोगों को इतना मतलब ऊपर पहुंचा रहे हैं, तो आप जनता के लिए क्या कह रहे हैं, आपका क्या संदेश है? आशा देवी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप जनता लोग के लिए, जनता मालिक के लिए जो ये उत्साह है कि हमारा नेता जो जीतेंगे तो इनके लिए और जीतेंगे 100% जीतेंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? धन्यवाद इस बात के लिए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने लोगों के बीच में और इतना बहुमूल्य समय में आप भी साथ दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जनता मालिक का जो फरमान है, जो उसका मन का जो कुछ मनमुटाव है, उस चीज़ को भुला के, भेदभाव को भुला के सामाजिक परिवेश में जो भी है अमन भाईचारे, सबसे पहली बात है कि मूलभूत सुविधा जी यहाँ का जो है, नल जल रास्ता, मतलब स्ट्रीट लाइट, शिक्षा व्यवस्था, बच्चों की खेलकूद, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, आवास योजना वगैरह जो भी है,
जहाँ तक आम लोग और इन जनता का जो भी समर्थन प्राप्त है, हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक हम अपने स्तर से और सरकार का जो भी योजना है उस स्तर को सरजमीन पर लाने का प्रयास करेंगे।